नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारे व्यूअर्स के खास आग्रह पर है, जो ये चाहते थे कि हम अपनी एक वीडियो में बड़ के दूध का प्रयोग बताएं। बड़, जिसे आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग इससे परिचित हैं, भारत में पूजा पाठ में इसका बहुत महत्व है। और कुछ कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि जिस तरीके से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, ठीक इसी तरीके से कुछ कुछ स्टेट में, कुछ कुछ राज्य में महिलाएं वट सावित्री का व्रत अपने पति के लिए रखती हैं। हमारे धर्म में इसका इतना महत्व तो है ही, साथ ही साथ ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। आयुर्वेद में इसका किस तरीके से महत्व है, आप केवल एक सिंपल बात से समझिए कि ये त्रिदोष शामक है। यदि आपके अंदर वात, पित्त या कफ, इन तीनों में से एक भी विकार है, तो आप बड़ के वृक्ष के अलग अलग भागों का सेवन करके अपने रोग को दूर कर सकते हैं। अब ये बड़ का वृक्ष इतना खास क्यों है? आयुर्वेद के हिसाब से ये एक ऑलराउंडर है। ये एंटीबायोटिक है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। अगर आपको त्वचा रोग है तब इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके दूध की एक खास प्रॉपर्टी है, ऐसे लोग जिनके शरीर में इंसुलिन बनना थोड़ा कम हो जाता है, मींस टाइप 2 डायबिटिक जो पेशेंट हैं, यदि वो इसके दूध का सेवन करते हैं तो वो देखेंगे उनके शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ने लगा है। आपके शरीर में त्वचा संबंधी कोई भी रोग है या फिर आपका रक्त किसी वजह से दूषित है, तब भी आप इसके दूध का प्रयोग कर सकती हैं। इसका स्वाद कसैला होता है, तो इस वजह से ये दस्त और ल्यूकोरिया, इन दोनों में बहुत काम की औषधि है। साथ ही साथ दोस्तों, इसके अंदर कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो ऐसे लोग या तो जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं या फिर जिनका शरीर सुडौल नहीं है, उन लोगों को भी बड़ के दूध का, बरगद के दूध का सेवन करना चाहिए। और इसका एक बहुत ही साधारण उपचार, आप सब लोगों ने देखा होगा, अक्सर हमें कहीं खेलते कूदते कहीं कोई चोट लग जाती है और इमिडिएटली हमें कोई वहाँ पे उपचार नहीं मिलता, तो आप अपने आसपास के यदि बड़ के वृक्ष की एक पत्ती तोड़ लें और उसमें से निकलने वाला दूध अगर अपने घाव पे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका रक्त स्राव तुरंत बंद हो जाता है। तो बड़ का ये पेड़ आयुर्वेद का ऑलराउंडर तमाम खूबियों से व्याप्त है। अब इसका दूध का प्रयोग करते हुए आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली ये कि आपको इसके दूध का अकेले प्रयोग नहीं करना है। इसके दूध को आप घी के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप इसका प्रयोग बताशे के साथ करें, क्योंकि दूध आप निकाल के अपने घर तक ला नहीं पाएंगे और बाकी सारी चीज़ें पेड़ तक नहीं पहुँचा पाएंगे। तो इसके लिए आप हमेशा अपने साथ कुछ बताशे रखिए, और जब भी आप कभी उसकी टहनी तोड़ेंगे तो देखेंगे उसमें से दूध निकलता है। दूध की 2 से 3 ड्रॉप आप अपने बताशे में डालिए और उसे खा लीजिए। आप दिन में ऐसा 2 बार तक कर सकते हैं। अब ये बताशा किन किन लोगों को खाना है बरगद का दूध डालकर? सबसे पहले इसके लिए वो सारे लोग जिनके शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी रहती है, वो लोग यदि 1 से 2 बताशे 4 से 5 दिन तक खाएंगे तो देखेंगे कि उनके शरीर में अतिरिक्त गर्मी बाहर हो गई है। वो महिलाएं जो ल्यूकोरिया से ग्रसित हैं, श्वेत प्रदर से ग्रसित हैं, उनको भी इस दूध का सेवन करना चाहिए। और दोस्तों, यदि आपके शरीर में कहीं भी त्वचा पे कोई विकार है तब आप इसके दूध को डायरेक्टली वहाँ लगा सकते हैं, या फिर कई बार कुछ महिलाएं या पुरुष ऐसे होते हैं जिनका रक्त दूषित हो जाता है, इस दूषित रक्त की वजह से उनके फोड़े, फुंसियाँ, मुहासे ये लगातार ही निकलते रहते हैं, तो उन लोगों को भी ये दूध बताशे में डालकर सेवन करना चाहिए। याद रखें, 2 से 3 बूंद दिन में 2 बार ऐसा आप ले सकते हैं, और इसका प्रयोग केवल तब तक करें जब तक आपका जो विकार है वो दूर नहीं हो जाता। एक बार विकार दूर हो जाता है फिर आप ये दूध लेना बंद कर दीजिए। और दोस्तों, इसके साथ साथ बड़ का ये दूध वीर्य संबंधित सारे विकारों को दूर करने की काबिलियत रखता है। ये आयुर्वेद में एक स्तंभक के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ महिलाएं इसका प्रयोग करके अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी दूर कर सकती हैं। और दोस्तों, ऐसे युवा जो धातु रोग से ग्रसित हैं, तमाम जगह वो इसका इलाज ढूंढते रहते हैं, चिपचिपे पानी से परेशान रहते हैं, तो वो लोग इसका प्रयोग अवश्य करें। यदि वो 5 से 7 दिन इसका बताए गए तरीके से प्रयोग करेंगे तो जितनी भी सारी मैंने आपको बीमारियां बताई हैं वो सारी की सारी आपकी दूर हो जाती हैं। और ऐसे लोग जिनका धातु का रोग बहुत पुराना है, उनके लिए हम एक स्पेशल नुस्खा लेकर आने वाले हैं। उस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए, आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।